हुक्का में मजा आ रहा पूरा है। अच्छा ये हुक्का जरूरी होता है क्या? अगर ना करो तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। या घर से बाहर निकले हो तो हुक्का होना चाहिए। आज क्या बनने वाला है बोले? पेठा बनने वाला है। अच्छा पेठा, क्या बात है। कितनी देर से पेठा की कटाई चालू है? आधे घंटे से। और ये लोग काम करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं? ये काम कम करवा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं भोले का यहाँ पर जो शाम का भोजन है वो तैयार हो रहा है। क्या बात है, दिखाना जरा मसाला दिखाओ। वाह 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 वाह। तो दोस्तों देख सकते हैं भोले का भोजन यहाँ पर तैयार हो रहा है इस समय। रोटियाँ किसने बनाई है? रोटियाँ आपने बनाई है? किसने पहली किसने रोटियों को? जय भोले की। भोले कहाँ तक यात्रा हो रही है आपकी? कहाँ तक जाएगी यात्रा? महेंद्रगढ़ जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं हरिद्वार के बहादुराबाद में, जहां पर बहुत सारे जो कांवड़िए हैं वो रुके हुए हैं, और ज़्यादातर जो डीजे वाली कांवड़ है उनको बहादुराबाद के आसपास ही रोक लिया जा रहा है। तो यहां पर बहुत सारे कांवड़िए रुके हैं, तो इनसे बातें करेंगे। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये बहादुराबाद है, जो कि हरिद्वार से लगभग 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। और ये रोड के दोनों ओर देख सकते हैं बहुत सारे जो डीजे कांवड़ है, डाक कांवड़, विशाल कांवड़, ये सभी खड़ी हैं यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर जानते हैं और यहाँ का जो ताज़ा माहौल है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, बहुत सारे भोलों से हम बातें भी करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इसी तरह हरिद्वार ऋषिकेश से माँ गंगे के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो अब शुरू करते हैं। बोले कहाँ तक आपकी यात्रा जा रही है? अरे कोई तो बोलो, शर्माने वाली बात थोड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? भिवानी। क्या भोजन तैयार हो रहा है? आज क्या बनने वाला है बोले? पेठा बनने वाला है। अच्छा पेठा, क्या बात है। कितनी देर से पेठा की कटाई चालू है? आधे घंटे से। और ये लोग काम करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं? ये काम कम करवा रहा है। और इस पेठा के साथ और क्या बनेगा? दाल बनेगा। अच्छा दाल बनेगी, आलू का हलवा बनेगा। अच्छा बनेगा। और उसके साथ पूड़िया बनेगी। अच्छा क्या नाम है आपका भाजा? पंकज। पंकज जी आप भी साथ में ही हैं? हाँ। कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं आप? कर दिया आपने। हरिद्वार पहुँच कर कैसा लगा था? हर की पेड़ी में स्नान किया था, मजा आया। चलो डूब गया था, काट के जाए इसको। अच्छा ये डूब गया था? अच्छा तो दोस्तों देख सकते हैं भोले का यहाँ पर जो शाम का भोजन है वो तैयार हो रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप कुमार। तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलना होगा, इतना साउंड आ रहा है पीछे से। संदीप कुमार। अच्छा क्या बात है, दिखाना जरा मसाला दिखाओ। वाह 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 वाह। तो दोस्तों देख सकते हैं भोले का भोजन यहाँ पर तैयार हो रहा है। इस समय मैं बहादुराबाद में हूँ और ऐसे बहुत सारे भोले यहाँ पर रुके हुए हैं। जय भोले की। जय भोले की। भोले कहाँ तक यात्रा हो रही है आपकी? कहाँ तक जाएगी यात्रा? महेंद्रगढ़ जाएंगे। शाम का भोजन? अच्छा चल चढ़ा के खाएंगे। चलो जय भोले की। जय बोले कहाँ तक यात्रा आपकी जा रही है? दिल्ली तक जा रहे हैं। क्या बन रहा है शाम के भोजन में? शाम के भोजन में आलू छोले की सब्जी है, राइस है और पूरी है। अच्छा आलू छोले की सब्जी है। हाँ। कितने लोग हैं बोले आपके साथ में? 40 लोगों का ग्रुप है। बोले क्या हाल है आपके? जय बोले की।
बात करना चाहेंगे आपसे। बोले जैसा कि मैंने सुना है जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो प्याज लहसुन का सेवन नहीं होता है, लेकिन मैंने कुछ जगह पर ऐसा देखा है कि जहाँ पर प्याज लहसुन वो लोग कटिंग कर रहे थे, तो इसका मतलब खाते होंगे, तो ऐसा कुछ होता है? कुछ लोग खाते भी हैं? हाँ, कुछ खाते भी हैं, कुछ नहीं खाते, वैसे हम तो नहीं खाते। अच्छा, कुछ लोग खाते भी हैं? कुछ लोग खाते भी हैं, जो नहीं मानते। अच्छा अच्छा, हम मानते हैं, दूसरे हम नहीं खाते। अच्छा, आप नहीं खाते। बोले हुक्का में मजा आ रहा है पूरा है? अच्छा, ये हुक्का जरूरी होता है क्या? अगर ना करो तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? या घर से बाहर निकले हो तो हुक्का होना चाहिए? अच्छा अच्छा, हिसार जिला, हिसार हरियाणा जिला, हिसार, बस इतना ही बहुत है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भोले का इस समय रात का जो भोजन है वो चल रहा है। भोले क्या नाम है आपका? पंकज जी, क्या भोजन में क्या खा रहे हैं इस समय? खीर है, बहुत अच्छी बात है। ये खीर का प्रसाद है और रोटियां भी रखी हैं यहाँ पर गरम गरम। ये रोटियां किसके साथ? सब्जी के साथ खाएंगे? अच्छा, दाल बनाएंगे। तो देख सकते हैं भोले का यहाँ पर भोजन तैयार है और भोले ने यहाँ पर गर्मा गर्म जो है खीर तैयार की है। कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? 15 लोग हैं, यहाँ तो ज़्यादा दिख रहे हैं। कौन सी कांवड़ लेकर आए थे आप लोग? डाक कांवड़ बोले। डाक कांवड़ है, कितना खर्चा आ जाता है लगभग डाक कांवड़ में? लगभग हमारा 80-90 हजार रुपए आ जाते हैं। एक ही गांव से हो आप लोग? अच्छा, चार कांवड़ आई हुई है। बोले खा लो, आराम से खा लो, कोई नहीं। चार कांवड़ आई हुई है, हमारे गांव। अच्छा अच्छा, तो अभी सिर्फ खीर खा रहे हैं, उसके बाद ये दाल और रोटी खाएंगे? उसके बाद दाल रोटी खा के फिर हमारा व्रत शुरू हो जाएगा। हम सुबह दाल उठाएंगे 12 बजे के बाद। हम कोई भी, हम नहीं छुएगा कोई भी बंदा हमारा। अच्छा, मैंने सुना है कि भोजन करने के बाद अगर कांवड़ लेकर चलना है तो स्नान करना पड़ता है, ऐसा भी है? बोले स्नान तभी करते हैं जैसे कभी नींद आ गई किसी बोले को और उसे दाल उठानी है तो स्नान करेंगे। अगर पेशाब कर दिया किसी बंदे ने तो भी उठाएंगे, तभी स्नान करेगा। कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा तो भी स्नान होगा। ड्राम मत लगा के सामान ड्राम रखा हुआ है। इस ड्राम के अंदर हम चल बनेंगे जिसमें हमारे जो गंगा मैया का हमारा जल होता है वो भी इसके अंदर डाल के छूट किया जाएगा पानी को, और उसके बाद ही हम यात्रा और यात्रा शुरू करेंगे हमारी। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। आ जाओ सारे लोग, आ जाओ। तो देख सकते हैं हरिद्वार से हाजमपुर हिसार के लिए इन लोगों की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और फिलहाल इन्होंने रेस्ट कर रहे हैं, शाम का भोजन करेंगे और सुबह के समय इन लोगों की यात्रा फिर से शुरू होगी। कैसी बनी है खीर, प्रसाद कैसा है? एकदम मस्त। वैसे भी प्रसाद जो होता है सभी अच्छे होते हैं। हाँ। पूरा मजा आ रहा है? पूरा मजा आ रहा है। हरिद्वार आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। हर की पैड़ी के मेन घाट पे गए थे या अगल बगल वाले घाट पे स्नान किया था? मेन पे गए थे। मेन पे गए थे। हाँ। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है ना? भीड़ हो या चीड़ हो जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, दूर से चल के आए हैं। बिल्कुल जाना पड़ेगा, जी बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 साल से इंतजार किया है आप लोगों ने? अच्छा, के जाना बोलेगा? हाँ बिल्कुल बोलेगा। तब भोजन किसने तैयार किया है वो बताओ? सभी ग्रुप के मेंबर सभी मिलके किया है, सभी ने मिलके भोजन तैयार किया है। ऐसा कुछ नहीं होता कि सुबह का वो बनाएगा या शाम का?
सभी लोग फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ के आगे। अच्छा अच्छा, किसी ने तो ज़्यादा काम किया होगा, कोई तो होगा, कोई। अरे बैठो, बोले बोले बैठो, गलत बात है, बैठो, मैं खड़े खा लूँगा, बैठ जाऊँगा, कहीं बैठ जाऊँगा।